दोस्तों एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत, कि झूठ के बुनियाद पर आप जितना भी मजबूत घर बना ले वो टिक नहीं पाता है, वो गिर ही जाता है। और वाकई ऐसा अगर नहीं होता तो क्या कल जो कुछ भी हुआ है बृजभूषण शरण सिंह के काफिले के ऊपर, क्या वो सब कुछ होता? आपको जो ये वीडियो देखने को मिल रहा है जिसमें बताया ये जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के काफिले के ऊपर लोगों ने जबरदस्त बवाल कर दिया, पथराव कर दिया, जब बृजभूषण शरण सिंह का काफिला जो है वो गोंडा पहुंचा और उसके बाद जो है वो लोग वहां पे इतना जबरदस्त घोसियाए और उसके बाद जो है वो पत्थरबाजी जो है वो वहां पे उनके काफले के ऊपर होने लगी। जिसको लेकर आप देखिए News24 ने लिखा है, बृजभूषण शरण सिंह के काफले के ऊपर पथराव, बवाल के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद। ये वही बीजेपी के सांसद है जिनका नाम बृजभूषण शरण सिंह है कि जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये वही बीजेपी के सांसद है कि जिनको भाजपा ने बचाने के लिए पूरा ताकत जो है वो लगा दिया। इतने गंभीर आरोप लगे, इतने सारे मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज बीजेपी सांसद जो है वो आराम से घूम रहे, खुलेआम घूम रहे। लेकिन इनको शायद ये मालूम नहीं था कि जब ये गोंडा पहुंचेंगे तो इनके ऊपर जो है वो पथराव हो जाएगा। आप देखिए इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जब काफिला इनका गोंडा पहुंचता है उसके बाद जब इनकी गाड़ी देखी जाती है, लोगों को ये पता चलता है कि बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे हैं, तो उसके बाद जो है वो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, लोग जो है इनके काफिले के ऊपर टूट पड़े। News24 ने आगे लिखा है, गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। आप देखिए इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि झूठ के बुनियाद पर आप जितना भी मजबूत घर बना ले वो एक दिन गिर ही जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को भी मिल रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जितना इनको अपने सभा में बुला ले, चाहे जितना इनको सम्मान दे ले, जितना मान इनको मिल जाए, लेकिन असल में ये सारा का सारा जो है वो बातें जो है वो झूठी है। असल में मामला ये है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई आरोप लगे का और उसके बाद इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए और उनके ऊपर जो है वो कई बार जो है आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े बवाल हुए। महिला खिलाड़ियों ने अलग प्रोटेस्ट किया, उसके बाद किसान उस प्रोटेस्ट में अलग जुड़े, लेकिन इसके बावजूद भी ये आराम से घूम रहे थे। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम था कि जब इनका काफिला गोंडा पहुंचेगा तो उसके बाद वहां पे मंजर ये आपको देखने को मिले, कुछ इस तरीके से आपको देखने को भी मिला है कि किस तरीके से वहां जो है वो जनता एकदम गुस्से में आ गई और उसके बाद उनके काफिले को दौड़ाया गया और भगा दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से ये सब कुछ जो आपको देखने को मिला है इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे दूसरे चैनल द सदाबर्ड एक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वहां पे भी आपको ऐसे ही खबरें देखने को मिलेगी।